लगाएंगे और इस साइड भी तेल लगा दूंगी। और इसको किसी भी चीज़ की सहायता से हम पलट देंगे, तो मैं अभी इसको पलट रही हूँ। ये देखिए, तो इसको दबा दबा के हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये बर्गर है ना सिक्स करके तैयार हो गया है, मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। तो देखिए है ना आसान बहुत ही बर्गर बनाना। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट पे निकाल लिया है और ये बनकर के तैयार है खाने के लिए। तो बहुत ही आसान है बर्गर बनाना और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी बर्गर, आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जा रही हूँ बनाने और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए बर्गर बनाने के लिए क्या क्या लगता है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और ये है पत्ता गोभी, ये धनिया और ये हरी मिर्च, ये प्याज को ऐसे गोल टुकड़ों में काट लें, और ये टमाटर और ये खीरा। इतनी सारी चीज़ें हम डालकर भी बहुत अच्छा बर्गर घर पर टेस्टी बना सकते हैं। और ये है आलू, यानी जो पेस्ट है वो ब्रेड में भरने के लिए मैंने पेस्ट बना रखा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको पहले मैंने आलू उबाल लिया था और आलू को फ्राई कर लिया है मैंने तेल में जीरा और मिर्च डाल के। उसके बाद नमक डाला इसमें और फिर धनिया डाल दी बाद में। इसको आप थोड़ा सा इसको ऐसे ही भून लें और फिर ये पेस्ट बन जाता है। इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे। तो ये रही सामग्री और ये है तेल, यानी कि जब हम उसको फ्राई करते हैं तो तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है तेल और ये रहे ब्रेड, ये बर्गर वाले ब्रेड नहीं है, ये साधारण ब्रेड है। मुझे लेकिन यही पसंद रहते हैं तो मैंने ये वाले ब्रेड ले रखे हैं। आप बर्गर वाला ब्रेड भी एक अलग से आता है, आप उसको ले सकते हैं। इस ब्रेड का भी बहुत अच्छा बर्गर बनता है, आप इसको भी बना सकते हो। ये देखिए, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बर्गर बनाऊंगी आज, आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए कितना आसान है बनाना घर पर, और सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, जब भी आपको खाने का मन हो तुरंत झट से बन जाता है। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए, और पहले मैं इस ब्रेड को काटती हूँ। कैसे काटते हैं अभी दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये है ब्रेड और ये बैठा है बाबू, कितना क्यूट बाबू है देखो। तो ये रहे ब्रेड, मैं इसको अभी काटती हूँ। देखिए आप हमेशा ब्रेड को ऐसे काटें, यहाँ से काटेंगे। और मैं ना इसको पूरा नहीं काटूंगी, थोड़ा सा लगा रहने देंगे क्योंकि इसको अभी दबाएंगे इसलिए। तो इस टाइप से हम सभी ब्रेड काट लेंगे। तो देखिए मैंने सारे ये ब्रेड है ना काट के रख लिए हैं, और ये सारे ब्रेड काट के रखे हैं मैंने। और ये है सॉस, ये चिली सॉस है, और इधर ये है टोमेटो सॉस, स्नैक सॉस है ये मीठी वाली है और ये तीखी। इन दोनों का यूज भी हम करेंगे, तो अभी दिखाते हैं कैसे। तो अब मैं जा रही हूँ ये स्टफिंग को भरने, ब्रेड में कैसे भरते हैं मैं आपको एक भर के दिखा रही हूँ। ये है सॉस, पहले सॉस लगाएंगे दोनों। और ये है मीठी, फिर ऐसे इनको दबा देंगे ताकि ये जो है ना पूरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देखिए मिक्स हो गया है, अब इसमें डालूंगी मैं आलू। और इसको ऐसे धीरे से मिला देंगे, पूरे में फैला देंगे ऐसे। ये हो गया, अब इसमें आगे डालते हैं। मैं सबसे पहले डालूंगी ये पत्ता गोभी,
पत्ता गोभी डाल लिया है, अब इसमें डाल दूंगी धनिया। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च डाल लें। और ये प्याज एक और डालें बाद में बाबू। और ये है टमाटर और ये खीरा, इसको हम आराम से दबा देंगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया, अब इसको जा रहे हैं सेंकने। तो मैं बर्गर ना तवे पर ही बनाने वाली हूँ और तवे पे ही बहुत अच्छा बन जाता है, रोटी बनाने वाला सिंपल सा तवा है। तो ये देखिए मैंने रख दिया है तवा और इस पर डालती हूँ तेल। इसमें मैंने तेल लगा लिया है और इस पर अब रख देती हूँ ब्रेड को। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से दबाएंगे। और इस साइड भी तेल लगा दूंगी। और इसको किसी भी चीज़ की सहायता से हम पलट देंगे। तो मैं अभी इसको पलट रही हूँ। ये देखिए तो इसको दबा दबा के हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये बर्गर है ना सिक्स करके तैयार हो गया है, मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। तो देखिए है ना आसान बहुत ही बर्गर बनाना। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट पे निकाल लिया है और ये बन करके तैयार है खाने के लिए। तो बहुत ही आसान है बर्गर बनाना और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स मैंने बर्गर बना लिया है, तो आप लोग कैसे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करो, बहुत आसान है बर्गर बनाना और बहुत ही टेस्टी भी बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।